बिस्मरम रहीम वेलकम टू अनदर वीडियो डियर स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फोर इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है

रुपीज पर मंथ है अब देखिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है ये पुट करना है और इसे सॉल्व करना है अब देखिए एक्स किसके इक्वल है तो फिफ्टी टू से पहले एक्स लिख लेना है फिर वाई हमारे पास माइनस थ्री माइनस थ्री क्यूब एंड जेड माइनस वन के इक्वल है, ओके अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू विच इज इक्वल टू फोर सो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय टू सिक्सटीन ठीक है अच्छा थ्री का क्यूब अगर हमारे पास है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री थीजर नाइन नाइन थ्रीजर ट्वेंटी सेवन क्योंकि ये नेगेटिव है और पावर क्या है आ, आपके पास क्यूब है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस ठीक है दो दफा माइनस हो गए इसका माइनस इसका माइनस देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस यानी आपका जो जवाब है वो क्या होगा नेगेटिव ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अच्छा अब इसके बाद वाला स्टेप मल्टीप्लाई बाय फोर फोर फाइव ट्वेंटी टू यहां पर अपॉन अब ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय इजल टू ट्वेंटी सेवन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आपके पास क्या बचेगा सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन अब, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख देते ओके सिक्स सेवन जेर फोर टू फोर याम पे सेवन वन जेर सेवन प्लस फोर देन सिक्स टू जेर ट्वेल्व टू वन याम पे टू वन जार टू प्लस वन थ्री टू टू एंड वन थ्री थ्री एंड वन फोर सिक्सटी अपॉन फोर थ्री जीरो ये दोनों आ, कट हो सकते हैं टू से कट हो सकते हैं. टू थ्री ज़र सिक्स टू टू ज़र फोर टू एंड ज़र टू टू फाइव ज़र फिफ्टी अब ये फाइव से कट हो सकते हैं फाइव सिक्स ज़र थर्टी फाइव फोर ट्वेंटी फाइव ओके यहां पे मैंने एक मिस्टेक की है फाइव सिक्स जर सो यहां पे सिक्स लिखना था सॉरी यहाँ पे भी सिक्स अच्छा अब जब ये सिक्स है तो ये फिर टू से होंगे टू फिफ्टीन जार थर्टी टू टेन जार ट्वेल्व टू एटर सिक्सटीन फिफ्टीन अपॉन वन जीरो एट अब इसको फर्दर अगर हम करेंगे तो थ्री फाइव जार फिफ्टीन थ्री थ्री जर नाइन वन वन बचेगा ये तीन जगह थ्री सिक्स एटीन तो आपके पास क्या बचा फाइव अपॉन थर्टी सिक्स और यही आपका आंसर है तो अब हम करते हैं इसके बाकी पार्ट्स अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ गया है कि हमने क्या करना होता है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है और फर्दर सॉल्व करना होता है तो जहां तक सॉल्व हो सकता है जहां तक सॉल्व हो सकता है जैसे ये देखो मैंने कट करके देखा फिर कट करके देखा फिर कट करके देखा जहां अब यहां पर ये कट नहीं हो सकते ठीक है थीके? तो जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहां तक हम करेंगे वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसको लाइक जरूर करें और चलिए इसके बाकी पार्ट्स करते हैं ओके तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं पार्ट टू अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू एंड ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दी जहाँ पे एक्स है वैल्यू जहाँ पे वाई एंड जेड है उनकी वैल्यू जहाँ पे ए बी इसी है उनकी वैल्यू ठीक है पुट करने के बाद थ्री टू जैर सिक्स फोर वन जैर फोर फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर तो सिक्स तो माइनस फोर अच्छा यहाँ पे नाइन टू जेर एटीन वन अपॉन नाइन है ठीक है तो फिर यहाँ पे जब एटीन बन गए नाइन वन जैर नाइन नाइन टू जेर एटीन अच्छा यहाँ पे टू का क्यूब मतलब थ्री सॉरी टू मल्टीप्लाईड बाई सेल्फ और थ्री टेन्स तो एट बन जाएगा नेगेटिव है क्यूब है क्यूब से अगेन नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस मल्टीप्लाई कॉल टू माइनस तो हमारा आंसर वापस माइनस आ जाएगा लेकिन अगर स्क्वायर हो जाता तो फिर पॉजिटिव बन जाता है हमारा आंसर अच्छा एट टू जर हमारे पास सिक्सटीन uh, अब ऊपर हमारे पास सिक्स माइनस फोर टू बच गया यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय वन टू बज ये प्लस टू जेर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू एटीन और ऊपर टू तो टू वन जे टू टू नाइन जेर एटीन आपका आंसर क्या हुआ वन अपॉइंट नाइन और ये अब इस क्वेश्चन का पार्ट थ्री है यहाँ पे एक्स ए एंड बी की वैल्यू गिवन है तो जहाँ पे एक्स है और जहाँ पे ए एंड बी है उनकी वैल्यूज पुट करना है लेकिन आ, इसके अलावा हमें एक और चीज़ करनी है कि ये डिवाइड फॉर्म में है इसको हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई फॉर्म में ये हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में और इसके अलावा जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो उसमें भी हम ये सीख चुके हैं कि भाई जब भी हम डिवाइड का, का काम करेंगे तो उसको पहले हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड पर जो हमारे पास आ, शनल फ्रैक्शन है उसको उल्टा लिखेंगे ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले के ऊपर जैसे कि यहाँ पे मैंने खाते अब इस तरह करने के बाद देख ले ये ए ये ए स्क्वायर एक दो में से एक कट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा वन बचेगा अच्छा जी ये एक्स ये एक्स स्क्वायर ये दो एक्स है एक एक्स कट जाएगा एक एक्स बाकी रह जाएगा ये बी क्यूब है ये बी है बी कट गया और इसमें से भी एक बी कट कर गया तो बाकी कितने बी बचे टू तो अब देख ली यहाँ पे सिक्स एक्स यहाँ पे टू आ, ट्वेंटी आ, ए क्योंकि दो में से एक कट चुका है अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा फाइव बी स्क्वायर क्योंकि क्यूब में से एक कट चुका है बाकी ए तो वैसे भी कट गया और यहाँ पे एक्स कट गया सिक्स बाकी रह गया ये हो गया अब जाके हम इसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे ठीक है जब तक कट हो सकते थे वो कट करके जो बाकी बच गया उसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक्स बी और ए की वैल्यू पुट कर दिया पुट कर दिया एक्स टू है तो टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व ए की वैल्यू वन के इक्वल है ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू ट्वेंटी अच्छा यहाँ पे बी की वैल्यू थ्री के इक्वल है तो थ्री स्क्वायर मतलब थ्री थ्री जार नाइन नाइन मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंड सिक्स एज इट इज अब फिर से सिक्स वन जार सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व ठीक है और ये दोनों कर सकते हैं हमारे पास फाइव के टेबल में फाइव फोर जार ट्वेंटी फाइव नाइन फोर्टी फाइव तो अब ये फोर टू जेर एट नाइन वन जेर नाइन और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो कंप्लीट हो गया है आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है चैनल पे अगर आप न्यू है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडी इसको सब्सक्राइब करें एंड एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा टेक केयर हाफिज